great, bhai. This is the amazing view. नेपाली भाषा प्योर अच्छा 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 बोल रहा है ना ये पर्वती अच्छा ये तो एक्चुअली हिंदी का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी इसमें आता है अच्छा अच्छा बाहर इतना ठंड है और यहाँ पे आग सेकने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है जैसे यहाँ पर देखो पका रहा है और यहाँ का जो आग का जो और गाय के गले में DDLG का घंटा भी है गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह का ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और ये पहाड़ों का ये बहुत ही खूबसूरत सा गांव से आपका गुड मॉर्निंग मैं बोल रहा हूँ सो गाइस ये सिलाड़ी गांव में कल आया था सिलाड़ी गांव है एक छोटा सा कस्बा छोटा सा गांव दार्जिलिंग मीन्स वेस्ट बंगाल और सिक्किम के एकदम बीच में तो अगर आप दार्जिलिंग ट्रिप कर रहे हो तो भी आप सिलाड़ी गांव एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप सिक्किम टूर प्लान कर रहे हो तब भी आप सिलाड़ी गांव आ सकते हो एंड सिलाड़ी गांव का ये हम लोग का होम स्टे है दिस इज आवर होम स्टे ओवर हियर एज यू कैन सी गाइस अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट ओवर हियर ओके एंड ये सिलाड़ी गांव स्पेशल डॉग है कालू भोलू लालू क्या है तेरा नाम देखो क्या कर रहा है ओके व्हाट अ ब्यूटी नो यहाँ पर एकदम लोकल लोग रहते हैं तंजाना गली यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ पता नहीं क्या है एकदम लोकल जो हिमालय रेंज में रहने वाले लोग हैं ये सब इन लोगों का घर है शायद ये आप लोगों से और मेरा घर के एकदम डिफरेंट है सिलाड़ी गांव कैसे आना है सिलाड़ी गांव कैसे एक्सप्लोर करना है उसके बारे में भी पूरा वीडियो मैं पहले वीडियो में दे दिया हूँ एक्चुअली मुझको जाना था सिक्किम बट सिक्किम से पहले सिलाड़ी गांव में रुक कर आई एम एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ओके यहाँ पर देखो सभी होम स्टे का जगह है सुंदर प्रिमाइसेस है चारों तरफ यहाँ पर खेती भी होता है यहाँ पर देखो खेती भी होता है ओके यहाँ पर क्या पेड़ है पता नहीं बट खेती इज डन ओवर हियर भाई किसके घर में घुस रहा हूँ पता नहीं बट मूविंग इनसाइड चलो घूमते घूमते कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे ओके इट इज़ ऑल्सो अ होम स्टे फाइन एक्चुअली होम स्टे होता क्या है होम स्टे इज़ दैट द प्लेस यहाँ पर लोकल लोग ही उसको 2-3 कमरा छोड़ देते टूरिस्टों के लिए रेंट में देते 1-2 दिन तो कुछ होम स्टे में आप खुद रान पका सकते हो कुछ होम स्टे में वो लोग जो पकाते हैं आप वही खाते हो आपको सब पैसा देना पड़ता है होटल जैसा क्लासी नहीं है फिक्स मेनू है यहाँ पर 1-2 ऑप्शन होगा सपोज अगर दाल नहीं तो राइस नहीं तो दाल सॉरी राइस नहीं तो रोटी दिस इज बट कमाल लग रहा है भाई कमाल लग रहा है देखो कितना बढ़िया व्यू है फीलिंग सो ग्रेट अमेजिंग कहाँ पर जड़ो पता नहीं देखो एकदम पहाड़ को काट के बीच में से ये रास्ता बनाया गया है अगर सब शहर में रहते हो ना तो 1-2 दिन के लिए तो इस नज़ारे को तो छोड़ना ही नहीं है ओके आपको थोड़ा सा पूरा रिफ्रेश कर देता है इट्स सॉर्ट्स रिफ्रेशिंग वाओ क्वाइट क्लीन जगह बहुत ही साफ सुथरा है एक्चुअली पहाड़ वाला जो एरिया यूजुअली साफ सुथरा ही होता है देन द प्लेन लैंड तो सामने की जगह देखो ये एकदम लोकल लोग रहते हैं ये सब वुडन रूम में सच लाइक जन्नत फीलिंग ग्रेट मैन सिलाड़ी गांव जस्ट रॉक्स बातें करते करते एकदम नीचे तक आ चुका हूँ नीचे का सीन भी थोड़ा सा दिखाना है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम लोग कल आए थे बट कल से यहाँ का जो प्रॉब्लम है बहुत ही क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो इसीलिए दूर का नज़ारा व्यू नहीं देखा जा रहा है अगर ये सनशाइन वेदर होता तो सब कुछ और भी बढ़िया दिखा देता ये सब लोकल लोग हैं तो एक्चुअली ब्यूटीफुल तो चलिए थोड़ा सा उधर पे जाकर भी देखते हैं व्हाट इज दैट ओके ओके ओके
जस्ट घूम रहा हूँ, जाने से पहले अच्छी तरह से जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पूछेगा तो कौन है, बोले दूंगा बिना होम स्टे में आया हूँ। दिस इज अनदर होम स्टे, यहाँ से भी बढ़िया नज़र आता है, यहाँ से भी। यहाँ पर बैठो, कुर्सी वुर्सी भी लगा गया है, बैठ कर आप व्यू। यहाँ पर बैठ कर भी आप नज़ारा देख सकते हो। डॉगी, ये है पहाड़ वाला कुत्ता अपना। क्या हुआ क्या? I'm just true fan of animals, I'm true fans of animals। क्या हुआ? एक फेमस गाना है ना, अपना कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, सही सॉन्ग। What's your name, my boy? What's your name? Good boy. Good boy, no? Tata, see you. ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। इस व्लॉग हो रहा है पूरा दिल से। अगर इस दिल के साथ अगर कनेक्शन बना रहा हो तब व्लॉग एंजॉय कर रहे हो, वरना नहीं। राइट, हर वक्त ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के माहौल में घूमना, एक्सप्लोर करना, लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब मौका मिला है तो उसको क्यों छोड़े। राइट, आज कॉफी नहीं लाई थी। तो चलो गाइस, तो ये हो रहा है मेरा एक्सपीडिशन, फीलिंग सो गुड। यहाँ पर किस चीज़ का खेती होता है? मिट्टी अच्छा है ना यहाँ पर? लोग समझते हैं सिर्फ नीचे ही खेती होता है, पहाड़ में नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर भी होता है, कुछ भी होता है, सब्जी बगाड़ा कुछ भी होता है, सब्जी भी होता है। अच्छा, इस यहाँ का लोकल लैंग्वेज का क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज क्या है यहाँ पर? नेपाली। अच्छा, ये गोरखा रीजियन है क्या? अच्छा, गोरखा लोग वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, मीन्स इंडियन गोरखास। अच्छा, श्री नेपाल में गया था गोरखा रेजिमेंट में देख के आया नेपाल लास्ट 2 साल पहले। अभी तो नेपाल तो पूरा बंद है, मतलब ये तो पूरा नेपाल का ही पूरा एक ही रीजन है ये पूरा, एक टाइम पे तो एक ही था पूरा। नहीं, नेपाल का और इधर का अलग है। अच्छा, उधर का नेपाली भाषा प्योर बोलता है, पर्वती बोलता है। अच्छा, बोल रहा है ना, ये पर्वती है। अच्छा, ये तो एक्चुअली हिंदी का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इसमें आता है। अच्छा, बंगाली भी टच रहता है बहुत चीज में। अच्छा, मेरा बॉस है नेपाली गोरखा, वो नेपाल डांसर है। ओके, हम लोग का जो कोलकाता में जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है, ओकर इज अ हेड ऑफ देयर। नाइस, ये तो एकदम सिक्किम और बंगाल का बॉर्डर है, जिससे सिक्किम का भी इन्फ्लुएंस है बहुत, यहाँ पर सिक्किम इन्फ्लुएंस है। तो ठीक है, सो फाइन। ये तो थोड़ा सा इंटरेक्शन, वाओ, यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा दिखा जा रहा है। तो चलो ये भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ओ माय गॉडनेस, यहाँ पर लोकल लोग कपड़े सुखाने के लिए दिए हैं। ओ ग्रेट भाई, दिस इज द अमेजिंग व्यू। ओके, ये पूरा खाई है पहाड़ों के बीच में। लुक एट द सिनेरियो, पहाड़ों के बीच में पूरा रीजन। एंड ये देखो पूरा क्या बिल्कुल अलग सा नज़ारा है। नीचे देखो, एक आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, नीचे मुझको क्लियरली दिखाई दे रहा है, नीचे एक वाटर बॉडी भी है। भाई ये सब घर में कौन रहता है? हाँ, कौन रहता है ये सब घर में? डिश टीवी लगा हुआ है, ये बाइक भी, अपाची बाइक भी है, पर बहुत ही पुराना कंडीशन, बहुत ही बुरा हाल में है। बट अमेजिंग। छोटे छोटे घर है देखो, यहाँ पर पूरा खेती भी हो रहा है, खेती का भी जगह है। रियली 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 अच्छा लग रहा है, फीलिंग रियली गुड भाई, क्या बोलूँ। सो गाइस, अगर ये नज़ारा को अगर नहीं फील किया तो क्या फील किया। आई लव, क्या नाम था गांव का? सिलाड़ी गांव। आई लव सिलाड़ी गांव मैन, सिलाड़ी गांव। आई विल मिस यू आफ्टर लिविंग द प्लेस। यहाँ पर एक दो गाय है और गाय के गले में DDLG का घंटा भी है।
डीडीएलजी मूवी देखे थे ना आप लोगों ने? डीडीएलजी में गाय के गले में एक घंटा था, इट्स सेम से, इट्स सेम साउंड्स, सच अ ब्यूटीफुल। तो आज कुछ देर में यहाँ से निकलना है, तो सोचा जाने से पहले छोटा सा एक व्लॉग कर दूँ, सुबह का सीन आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। तो ये गांव मेनली फेमस है इन द टूरिस्टों के बीच में फॉर द होम स्टेज, राइट। यहाँ पर ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, करने के कुछ नहीं है, बट यही इस गांव का फैसिलिटीज है। कुछ मत करो, जस्ट ब्यूटीफुल व्यूज को यहाँ से एक्सप्लोर करो। मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी रीजन है, जंगल है, जंगल के बीच में छोटा सा गांव है सिलड़ी गांव, और पीछे वहाँ पर तो पूरा बादल देख रहे हो, धुंध देख रहे हो। अगर बादल जिस टाइम नहीं रहता है, सनशाइन वेदर रहता है, वहाँ पर पूछा पूरा कंचनजंगा रीजन दिखाई देता है। आधा घंटे एक घंटे के अंदर हम लोग ऐसे निकल रहे हैं, और निकलने से पहले हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, एंड दिस इज द किचन ऑफ आवर होम स्टे। सो ब्रेकफास्ट में क्या हो रहा है? रोटी, लूची आलूदम, वाओ आलूदम एंड लूची, प्योर बंगाली खाना, अमेजिंग। ये देखो लूची पराठा मिल रहा है, एंड वहाँ पर आलू का दम, आलू करी। बाहर इतना ठंड है, और यहाँ पर आग सेकने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है, जैसे यहाँ पर देखो पका रहा है, और यहाँ का जो आग का जो टेम्परेचर ना, दैट वार्म्स यू अप, फीलिंग सो गुड, वाओ दैट्स नाइस। सो चलिए इन लोगों को काम करने दीजिए, मैं ऐसे निकलता हूँ। ब्लॉग को यहाँ पर क्लोज करते हैं, अभी जहाँ थाकर जाकर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके निकलना है यहाँ से टू सिक्किम। अब ये तो बॉर्डर में हूँ, सिक्किम और बंगाल के बॉर्डर में गांव में, अभी ऐसे निकलना है। तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस करने के बाद, सिलेड़ी गांव को गुड बाय करने के बाद, चलिए व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। व्लॉग को अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा हेल्प करना मत भूलिएगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।